हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू विन एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर में एंगल गेजेस डिस्कस करेंगे, जो कि मेट्रोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर एक को पता होना चाहिए। ये बहुत ही स्लिप गेज के जैसे ही है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ इस पिक्चर में आपको एंगल गेज का बॉक्स नजर आएगा। इसमें अलग अलग तरह के एंगल गेजेस रखे हैं, अलग अलग तरह के, इसका मतलब है अलग अलग एंगल्स के एंगल गेजेस रखे हैं। जैसे स्लिप गेज बॉक्स में अलग अलग साइज के स्लिप गेज होते हैं, वैसे ही यहाँ अलग अलग एंगल्स के एंगल गेजेस रखे होते हैं। हम यहाँ 13 पीस एंगल गेज सेट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मतलब है उसमें 13 प्रकार के, 13 तरह के अलग अलग एंगल वाले एंगल गेजेस होंगे। अगर आपने मेरा स्लिप गेज के ऊपर का लेक्चर नहीं सुना है, या फिर लाइन और एंड मेजरमेंट के ऊपर का भी लेक्चर नहीं सुना है, तो आप पहले वो देख लीजिए, बाद में वीडियो देख लेना, वो आपके लिए आसान होगा। वैसे भी आप उनके बारे में आपको अगर पता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि एंगल गेज ब्लॉक बनते कैसे है। ये बनते हैं हाई कार्बन स्टील मटेरियल से, और इनको हम एक दूसरे से जोड़कर एक उसका ब्लॉक बना देते हैं, जिसका कुछ डेफिनेट एंगल होगा। वो ब्लॉक बनाने के लिए हम रिंगिंग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। रिंगिंग मतलब एक एंगल गेज ब्लॉक दूसरे एंगल गेज ब्लॉक के ऊपर घिसना है, और घिसते हुए एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो थोड़ा टाइट लगने लगेगा, फिर उसे ऐसे ट्विस्ट करके उसके ऊपर रखना होगा, वो चिपक जाएगा। इसे कहते हैं रिंगिंग। रिंगिंग की मदद से हम दो एंगल गेज एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। यहां दिखाया है, ये एक एंगल गेज है 30 डिग्री का, ये है 3 डिग्री का, इसको जोड़ के एक 33 डिग्री का एंगल गेज ब्लॉक बनाया उन्होंने। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसका एंगल आपको गिनना है, मेजर करना है। यहाँ एक सरफेस है और यहाँ एक सरफेस है, इस दोनों सरफेस के बीच में कुछ एंगल है, तो इस तरह के एंगल गेज बना के आप वो एंगल गेज ब्लॉक इसमें रख सकते हैं, और फिर इस सरफेस से उस एंगल गेज के सरफेस को मैच करके आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ एंगल ऐड करने पड़ेगी या सब्स्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इस तरह से आप कुछ ट्राई एंड एरर करके इस एंगल थीटा को निकाल सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत यूजेस है एंगल गेज के, ज्यादा करके कंपैरेटर के यूज में ही यूज होता है, वो आपको पूरा मेट्रोलॉजी कोर्स पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि एंगल गेज यूज कैसे करते हैं। आप पहले तो समझ गए कि इसमें 13 पीसेस होते हैं एंगल गेज के, हर एक का एंगल अलग अलग होगा। इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इस तरह से हर एक का एंगल अलग है, और इन अलग अलग एंगल्स का टेबल यहां बनाया रखा है। हमारे पास 1 डिग्री का एंगल गेज है, 3 डिग्री का एंगल गेज है, 9 डिग्री का, ऐसे एंगल गेज है। हमारे पास 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, वैसे हमारे पास 3 सेकंड का, 6 सेकंड का, 30 सेकंड का, ऐसे अलग अलग 13 तरह के एंगल गेजेस है। एंगल गेज आपको पता होगा कि ऐसे दिखता है, ये हाई कार्बन स्टील से बना होता है, इस तरह का कुछ दिखता है। इसमें ये जो है वो थीटा है, इसका वैल्यू यहां मेंशन किया है। ये एंगल गेज देख के पता चलता है कि इसमें ये जो साइड है ये एंगल है, क्योंकि यहां तो ये बड़ा एंगल है। लेकिन अब जब आप 3 सेकंड का एंगल गेज देखोगे तो पहचानने में मुश्किल होगी कि कौन सा साइड बड़ा है और एंगल है कहां से, इधर से इधर है या इधर से इधर, ये देखना समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी एंगल गेज पे दो साइन बने रहते हैं, एक माइनस और एक प्लस। माइनस साइन वाला साइड है वो छोटा रहता है, प्लस साइन वाला साइड जो है बड़ा रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि एंगल का डायरेक्शन इसमें है, इस डायरेक्शन में। तो अभी ये मान लीजिए 3 सेकंड का एंगल गेज, यहां अगर माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एंगल है 3 सेकंड तो इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए प्लस और माइनस साइन बने रहते हैं। और एक बात, अगर आपको दो एंगल गेज जोड़ने हैं एक दूसरे से, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल गेज है, 3 डिग्री का एंगल गेज है, इन्हें जोड़ना है, अगर आप प्लस प्लस से और माइनस माइनस से मैच करते हैं साइंस, तो आपको क्या मिलेगा, उसका एडिशन मिलेगा, तो 30 प्लस 3 33 हो गया। वैसे ही अगर आप प्लस को माइनस से मैच करते हैं रिंगिंग करके, तो आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा, 30 से 3 गया, 27 बचा, तो यहां आपका रिजल्टेंट एंगल कुछ यहां मैं बना देता हूं आपको, ये हो गया आपका रिजल्टेंट एंगल, उसका वैल्यू है 33 डिग्री। इस वाले एंगल गेज का ब्लॉक का रिजल्टेंट है यहां कुछ हो जाएगा यहां ऐसे, इसका वैल्यू है 27 डिग्री। और एक बात, इसमें एरर की बात करते हैं हम। स्लिप गेज के लेक्चर में मैंने बताया था कि एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज के ऊपर हम जब रिंगिंग करते हैं, तो इसके बीच में कुछ एयर गैप होता है,
इस गैप की वैल्यू मैंने बताई थी कुछ 5 नैनोमीटर। जितने नंबर ऑफ स्लिप गेज आप बढ़ाओगे ब्लॉक बनाने के लिए, उतनी इस वैल्यू की एरर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एंड रिजल्ट में उसका अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते थे, मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज यूज करते थे, ज्यादा स्लिप गेज हम यूज करना अवॉइड करते थे। उस तरह का एरर एंगल गेज में नहीं आता है, बल्कि इस इन दोनों एंगल गेज के बीच में भी एक एयर गैप रहता है, उसकी वैल्यू भी कुछ 5 नैनोमीटर ही रहती होगी, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका रीजन मैं अभी बताता हूं। मान लीजिए यहां भी एयर गैप है, वो एयर गैप एंगल को अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि ये जो एयर गैप है यूनिफॉर्म है, इन दोनों एंगल गेज के बीच में एयर गैप है जो यूनिफॉर्म है, उसका अफेक्ट क्या होगा एंगल गेज के, ये वाला एंगल गेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मगर ये यूनिफॉर्मली शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये जो लाइन में यहां से एक्सटेंड कर देता हूं, यहां मिल जाएगी कोई तो, मगर उसका जो एंगल है वो वही रहेगा 33 डिग्री। इसी के कारण ये गैप यूनिफॉर्म होने के कारण हमारा जो एंड रिजल्ट है वो इस गैप से, इस एरर से वेरी इफेक्ट अफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कितने भी एंगल गेज आप यूज करो, जितने भी बॉक्स में है, जितने आपका मन करता है उतना यूज करो, इसमें कुछ लिमिट नहीं, क्योंकि उसको इसका एरर आपको एंड रिजल्ट में अफेक्ट नहीं करेगा। ये भी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि एंगल गेज ब्लॉक बनाते कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल बनाने की जरूरत है जिसका वैल्यू है 23 डिग्री 59 मिनट और 53 सेकंड। ये एंगल हमें बनाना है 13 पीस एंगल गेज सेट की मदद से। तो पहले तो क्या करेंगे, ये 23 डिग्री है तो 23 के नज़दीक वाला एंगल गेज उठाएंगे, 27 डिग्री ही नज़दीक वाला लग रहा है यहाँ तो 27 डिग्री का एंगल गेज लिया, हमें 23 डिग्री समथिंग चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए 3 डिग्री इसमें से सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सबस्ट्रैक्ट करना मतलब क्या करना है, 27 डिग्री वाले एंगल गेज में जो प्लस साइन होता है उससे हमें 3 डिग्री एंगल गेज ब्लॉक वाले के माइनस साइन से मैच करना है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी ये एंगल गेज ब्लॉक बन गया 24 डिग्री का, हमें चाहिए 23 डिग्री 59 मिनट और 53 सेकंड। तो सिंपली हम इसमें से 6 सेकंड माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिला, 23 डिग्री 59 मिनट 54 सेकंड। आपने देखा होगा कि हमें 53 सेकंड चाहिए था पर हमें 54 मिला है। ये तो रहता है एंगल गेज, 13 पीस एंगल गेज सेट में आपको प्लस माइनस 1 सेकंड की एरर मिल सकती है, ये आपको एक्सेप्टेड होना चाहिए। एग्जैक्ट एंगल कभी कभी नहीं मिल पाता है, कभी कभी मिल पाता है, लेकिन 1 सेकंड से ज्यादा एरर नहीं होगा, 2 सेकंड का डिफरेंस कभी भी नहीं मिलेगा, आप 1 सेकंड तक एक्यूरेट रिजल्ट पा सकते हो। और एक ट्राई करते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ आपको बनाना है 49 डिग्री 11 मिनट 42 सेकंड, ये वाला एंगल आपको बनाना है। तो पहले तो उठाते हैं 41 डिग्री, फिर उसमें ऐड करेंगे 9 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, फिर उसमें से 1 डिग्री माइनस कर देते हैं, ये हो गया 49 डिग्री। फिर अब क्या करेंगे, फिर अब उसमें 9 मिनट ऐड कर देते हैं, फिर एक 3 मिनट ऐड कर देते हैं, अब कितना बना, 41 प्लस 9 50 माइनस 1 49 डिग्री 12 मिनट, हमें चाहिए 11 मिनट 42 सेकंड। सो सिंपली इसमें से 18 सेकंड अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें अपना रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने यहाँ एंगल गेज यूज किए, 1 2 3 4 5 6 6 एंगल गेज हम यूज करके ये वाला एंगल बना लिए है। तो इस तरह से आप एंगल गेज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल गेज ब्लॉक बना सकते हो, जो कि आपकी कोई भी एंगल मेजर करने के लिए, जो कि एंड मेजरमेंट से मदद से मेजर करते हैं, हम एंगल मेजर कर सकते हैं, या फिर आप उसे ऑटोकोलिमेटर या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। यह जो एंगल गेज बॉक्स है इसमें 13 पीसेस है एंगल गेज के, वो यूज होता है 0 से 81 डिग्री रेंज तक। 0 से 81 डिग्री रेंज तक हम कोई भी एंगल प्लस माइनस 1 सेकंड के एक्यूरेसी में इन 13 पीस एंगल गेज सेट की मदद से बना सकते हैं। अगर आपको ये रेंज 0 से 90 डिग्री तक एक्सटेंड करनी है तो इस 13 पीस एंगल गेज में आपको एक एंगल गेज और बढ़ाना पड़ेगा जिसका वैल्यू होना चाहिए 9 डिग्री, फिर आपकी रेंज होगा जो हो जाएगी 0 से 90 डिग्री तक। अगर आपको ये रेंज 0 से 180 डिग्री तक बढ़ानी है तो और एक एंगल गेज आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री, फिर आपका यह एंगल गेज सेट बन जाएगा 15 पीस और उसकी रेंज हो जाएगी 0 से 81 डिग्री तक। कोई भी एंगल आप प्लस और माइनस 1 सेकंड के एक्यूरेसी में बना सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये था एंगल गेज के ऊपर का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप लाइक बटन हिट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।